पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में सबका स्वागत है। आज 41 दिन का नाद साधन का 14वां दिन है, तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। यस, थैंक यू भार्गव। नमस्ते सभी मास्टर्स को। चलो तो हम शुरू करेंगे नाद साधना। बॉडी को रब कर लेते हैं फटाफट ताकि हम फिर नाद साधना में बैठ पाए। आराम से बैठ जाएंगे सुखमय आसन की स्थिति में। अपनी अपनी जगह ले लेंगे नाद साधना के लिए और अपने बॉडी को, अपने शरीर को देखना शुरू करेंगे। अपने शरीर के स्पंदन, जैसे कि ऊपर से लेकर नीचे तक अपने शरीर के सारे, पूरे शरीर के स्पंदनों को महसूस करना है और धीरे धीरे अपनी स्थिति में बैठ के अपनी आंखें बंद करेंगे। हाथों में हाथ रखेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। बेड पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, जहां आपको बहुत सुख मिलता हो। सुखमय आसन, उस सुखमय आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। आत्मा के उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए हमें 24 घंटे में से 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस और पूरे मजे से अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। चश्मा उतार कर एक तरफ रख लेंगे और शरीर के स्पंदनों को देखना शुरू करेंगे। अपनी आंखें, आपका माथा, नाक, चेहरा, होंठ, ठुड्डी, पूरा चेहरा, हमारी जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सारी ज्ञानेंद्रियां रिलैक्स टोटल और स्पंदन हो रहा है। यही हमारी शरीर की जागृति है। गर्दन, नीचे छाती, फेफड़े फूल रहे हैं, हार्ट अपना काम कर रहा है, पेट की मूवमेंट, पेट की गतियां हो रही हैं, सांस जैसे ही भरते हैं तो पेट गति देता है, हमारे कोमल अंग सब सबके अंदर वो ऊर्जा जा रही है। जैसे ही आप सांस फुलाते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो जैसे ही पेट की गति होती है तो भीतर के अंग अपने आप गति करते हैं। हाथों की उंगलियां, जहां से हम मुद्राएं बनाते हैं, इन उंगलियों में स्पंदन, पैर की उंगलियों में स्पंदन, पूरा शरीर स्पंदन दे रहा है। कहीं पर भी सुस्ती है तो एक बार हाथों से अपने आप रब करके वहीं से सुस्ती को दूर कर सकते हैं।
बॉडी सेंसेशंस, हमारे शरीर की कोई भी बात है वो हम सेंस करके समझते हैं। फिर है प्राण शरीर, बाहर से अंदर जाती हुई प्राण इस ब्रह्म मुहूर्त में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि हम इस ब्रह्म मुहूर्त में अपने प्राणों से अपने इस शरीर को ब्रह्मांड की ऊर्जा दे रहे हैं। बाहर से अंदर जाता हुआ प्राण और अंदर से बाहर निकलता हुआ प्राण, यही प्राण प्राण शक्ति है। और जैसे ही मेरा सांस नीचे जाता है, मूलाधार चक्र यानी कि हमारे शरीर के पीछे जो नीचे रीढ़ की हड्डी है, शरीर के सबसे नीचे के सारे सूक्ष्म अंग, वहां तक सांस और फिर वहीं से सांस ऊपर की तरफ उठता है, जो हमारे पूरे शरीर को जागृति देता है, जिसको हम कुंडलनी बोलते हैं। सांस आ रहा है और जा रहा है, मन शरीर अनेकों विचार पल पल में हम बदलते हैं, पल पल में हम द्वंद का खेल खेलते हैं। और जैसे ही हम अपनी सांस के साथ आते हैं तो हमारा मन शून्य हो जाता है, महाशून्यता हमारा वास है, वो बैकुंठ है जहां पर हम आनंद में रहते हैं। कारण शरीर जहां पर हम अनेक अनेक कारणों से इस धरती पर आते हैं, अनुभव लेते हैं और यहाँ पर अपना जन्म और मृत्यु उसके बीच के समय को गुजार कर चले जाते हैं। कितने ही जन्मों में हमने अनेक अनेक रूपों को धारण किया और फिर आगे बढ़ते चले गए, तो इन सब स्मृतियों को वृत्तियों को छोड़ना है। मनुष्य योनि से पहले हम पशु और पौधे योनि में रहे, उन चीजों को भी हम साथ लेकर चलते रहते हैं, सब छोड़ना है। ये आत्मा निराकार है, निरंजन है, माया से परे है। महाकारण शरीर आनंद का शरीर, जहां पर हम अपने ही परिवार के सदस्यों, अपने समाज को हम स्वीकार करने लगते हैं और आनंद में उनके साथ रहते हुए आनंद के साथ रहते हैं, जहां पर हम अपने आप को परमात्मा देखते हैं, हमारे भीतर वो सूक्ष्म सहज गुण उत्पन्न होने लगते हैं, सेवा का भाव, ध्यान साधना, स्वाध्याय, साजन संगत, अनेकों अनेकों गुण महाकारण शरीर। फिर विश्व में शरीर मेरे चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है, कण कण के साथ दोस्ती, कण कण के साथ मिलकर काम करना। आप इमेजिन करिए कि आप दूर से बैठे हुए अपने ही उस शरीर को, विश्व में शरीर को देख रहे हैं,
आपके सामने एक धरती है, उस धरती के बिल्कुल बीच में आप बैठे हैं और उस पूरी धरती के साथ, उस पूरे ब्रह्मांड के साथ आप जुड़े हुए हैं। उस पूरी धरती के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य और ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सहस्रार से हमारी पूरी शरीर में प्रसारित हो रही है। दूर से आप अपने आप को उस धरती के बीच में बैठे हुए देखिए, कितना आनंद हम अपने आप के अंदर महसूस करते हैं। विश्व में शरीर और फिर निर्वाण में शरीर। उस धरती पे अब आप देखिए कि कितने ही पेड़ पौधे हैं, कितने ही मनुष्य हैं और कितने ही लोग ध्यान साधना में बैठे हैं। अनेकों अनेकों लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, अनेकों ऋषि बन चुके हैं, महर्षि बन चुके हैं और अनेक अनेक ब्रह्मांडों में हमें काम दिया जाता है। हम अनंत हैं, शाश्वत हैं, निराकार हैं, यही निर्वाण शरीर है। जब हम बार बार धरती पर लोक कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, कितने ही लोगों ने यहाँ पर लोक कल्याण के लिए जन्म लिया। अब हम यहाँ पर अपने उन सारे सातों शरीरों के साथ नाद साधना के उस महासागर महाशून्य परमात्माओं को यहाँ पर बुलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। महादेव और महादेवी, सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता, चारों तरफ कण कण में जो चेतनता है वहां पर आप खुद अपनी बंद आंखों से देखिए कि महादेव और महादेवी यहाँ पर आ गए हैं और बहुत सारे मास्टर्स इस ब्रह्मांड के, इस नाद साधना के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अपने चारों तरफ उन महान ऊर्जा का महसूस करिए, महादेव और महादेवी, नटराज नाद साधना। इसी पूरी नाद से पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड व्यवस्थित है। महातार बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी और शक्ति के रूप में अनेकों अनेकों देवियां यहाँ पर, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, अनेक स्वरूपों में जो हमारी धरती को चैतन्य बनाती है, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशिव, परमहंस योगानंद, नारद मुनि और अनेक लोगों के मास्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, धरती के नीचे
वहां पर भी नाद साधना, वहां पर भी नाद तरंगे, संगीत जो धरती के कण कण में समाया हुआ है उनकी तरंगों को भी महसूस करना है। सांस को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अपनी सांसों के प्रति जागरूकता, ये समुद्र मंथन, मेरी सांस आ रही है और जा रही है, जैसे हम लस्सी बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, उसी तरीके से मेरी सांस आ रही है और जा रही है। ये मेरी सांस इन सारे मेरे सातों चक्रों के बीच से होती हुई जब सांस बाहर निकलती है तो मेरे कर्म बीज हर एक चक्रास में, वो सब कर्म बीज निकल कर ज्ञान अग्नि से खत्म हो रहे हैं। सांस को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। और सांस के भीतर जो नाद पैदा हो रहा है, जो ध्वनि पैदा हो रही है, उसको अपने ही श्रुति से, अपने ही अंतःकरण से सुनते रहिए। ये ही आपका साइलेंस है जिसके अंदर वो तरंगे पैदा होती हैं। और इन तरंगों से जो कर्म के बीज धीरे धीरे कहीं पर भी गहराई में दबे हुए हैं वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। सांस अंदर जाना और सांस का बाहर निकलना। एक सांस को भरिए और छोड़िए। पूरे आनंद के साथ दो तीन अब हम एक बार अपने सारे सातों चक्रों के ऊपर एक के बाद ध्यान देंगे ताकि हम फिर नाद साधना में आगे बढ़ सकें। सबसे पहले हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी में नीचे मूलाधार, उससे ऊपर स्वादिष्ठान और नाभि के पास मणिपुर, इन तीनों चक्रों को अंदर ही अंदर आप देखिए। ये तीनों चक्र जिनसे हमें सांस को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा कोई भी कर्म बीज, किसी भी तरह के संग्रह की भावना, माया, लोभ, लालच, काम क्रोध, सब यहीं पर छोड़ना है। और नाभि से ऊपर अनाहत, उससे ऊपर गले के पास विशुद्धि और आंखों के बीच में आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सहस्रार। अब हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र पर ध्यान, सांस को भरेंगे। स्वादिष्ठान, सांस को भरेंगे। मणिपुर, सांस को भरेंगे। Mm-hmm.
अनाहत सांस को भरेंगे। विशुद्धि सांस को भरेंगे। आज्ञा चक्र आंखों के बीच में सांस को भरेंगे। सहस्रार सांस को भरेंगे। शान अपने ही शरीर के भीतर होने वाले इस नाद से बदलाव को, तरंगों को मूलाधार चक्र पे देखिए। कहीं कोई भारीपन तो नहीं है। स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत शुद्धि आज्ञा चक्र सहस्रार यही वाइटल एनर्जी यही ऊर्जा ऊर्जा एक ही है लेकिन ये अपना स्वरूप बदलती है। अपने शरीर के भीतर होने वाली हलचलों को जैसे समुद्र मंथन है उसी तरीके से हमारे शरीर में भी इस नाद से समुद्र मंथन हो रहा है। नीचे का नगर मूलाधार फिर स्वादिष्ठान नगर मणिपुर ये सारे सातों दरवाजे सारे सातों समुद्र जिसके अंदर अनेक अनेक जन्मों में पता नहीं क्या क्या बटोरा है उन सबको छोड़ देना है। यही समर्पण के भाव के साथ हम कुछ सेकेंड अपने आप को अंदर देखेंगे। अब हम फिर से मूलाधार चक्र पर ध्यान को लेकर जाएंगे और फिर से नाद करेंगे। मूलाधार चक्र सांस को भरिए। स्वादिष्ठान सांस को भरिए।
मणिपुर, सांस को भरिए। अनाहत यानी कि हृदय, उसके चारों तरफ जो अंग हैं, मांसपेशियां हैं, नाड़ियां हैं, उन सब पर गुंजन का प्रभाव पड़ता है। सांस भरिए। विशुद्धि गले के पार आसपास, जो हमारा थायराइड, पैरा थायराइड, थायमस, ग्लैंड है, नाड़ियां हैं। सांस भरिए। आज्ञा चक्र, अपनी आंखें, चेहरा, ब्रेन और अपने छोटे छोटे हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां। सांस भरिए। सातवां चक्र सेसरार, जो पूरे शरीर के अंदर कण कण के साथ ये जुड़ा हुआ है, और कमल के फूल की तरह एक एक पत्ती खिली हुई है। सांस भरिए। शांत और अपने शरीर के भीतर होने वाली हलचलों को आराम से देखिए, कहीं कोई भारीपन है तो अभी हम सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, तो वो भारीपन, कहीं पर भी रुकावट है, वो सब खुल जाए और धीरे धीरे ध्यान साधना में आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी शरीर का ऐसा पर हम फिर से अपने सारे सातों चक्रों को अपने सांस के माध्यम से समुद्र मंथन करते हुए फिर से ध्यान एक से लेकर सात तक लेकर जाएंगे। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। एक, मूलाधार। दो, स्वाधिष्ठान। सांस को भरिए और छोड़िए। तीन, मणिपुर। चार, अनाहत। पांच,
विशुद्धि। जी आज्ञा चक्र। सात सहस्रार। अभी सात से ऊपर जो हमारा सिर से कुछ आधे फीट की ऊंचाई पर आठवां चक्र है, वहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे ऊपर, हमारे उस सहस्रार पर जहां पर हमारे सिर के ऊपर वो कमल खिला हुआ है उस पर गिर रही है। इस आठवें चक्र से ऊपर एक नौवां चक्र है, अंदर ही अंदर देखिए मेरे सिर के ऊपर कितने कितने चक्र लगे हुए हैं। जैसे मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें सातों चक्र हैं, इसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड के भी अनेकों अनेकों चक्र हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। इस ब्रह्मांड के ऊपर हमारे ही सिर के ऊपर आठवां चक्र, उससे ऊपर नौवां चक्र, उससे ऊपर दसवां चक्र और उससे ऊपर ग्यारहवां और उससे ऊपर बारहवां चक्र। हम ये छोटा स्वरूप नहीं, हम बड़ा विशाल स्वरूप हैं। अपने ही उस स्वरूप को बढ़ाकर इन सारे सातों चक्रों से ऊपर आठवां, नौवां, उससे भी विशाल दसवां, उससे भी विशाल ग्यारहवां और उससे भी विशाल बारहवां, इतना बड़ा स्वरूप हमारा है। हम जो अपने आप को शीशे में देखते हैं वो नहीं, इससे बड़ा स्वरूप है। हम ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण के चक्र के साथ जुड़े हुए हैं और वो बारहवें चक्र से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे इस सातवें सहस्रार पर गिर रही है। और पूरा शरीर उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से गीला हो रहा है, ओतप्रोत हो रहा है। मेरे बाहर के शरीर की त्वचा पर उन कणों का मैं आभास कर रहा हूं। अपने शरीर की त्वचा सिर से लेकर पैर तक सभी तरह की उस ऊर्जा जो गिर रही है उसका आभास करिए। हमारे चारों तरफ अनेक परमात्माएं हमारे साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सांसों को आने दीजिए और जाने दीजिए। Thank you.
शरम परम ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते। कभी ना शरण होने वाला ये अक्षर, ये नाद, ये मैं ही हूं, यही मेरा स्वभाव है। अक्षरम परम ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संजितम। अनेक जन्मों में जब मैं कोई शब्द बोलता हूँ तो मैं उस स्वरूप में अपने शब्दों के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर जन्म ले लेता हूँ। विसर्ग कर्म संचितम, और फिर मैं जन्म और मृत्यु के खेल से दूर चला जाता हूँ और फिर से जन्म लेता हूँ। इन सब विसर्ग मुझे ये सब चीजें यहाँ पर छोड़कर उस परम तत्व में लीन हो जाना है, जहां पर मैं निराकार हूँ, निरंजन हूँ। पूरी धरती हमारी नाच साधना से जगमगा रही है, तरंगित हो रही है, खुश हो रही है।
धीरे धीरे अपनी ही सांसों के साथ रहते हुए अपने शरीर के भीतर उस दिव्य चक्षु से होने वाले प्रकाश से अपने भीतर के इन सारे सातों चक्रों के रंगों को देखेंगे। आराम से दिव्य चक्षु की रोशनी से किस तरह के कलर्स, किस तरह का प्रकाश मुझे अपने अंदर दिखाई दे रहा है। मूलाधार चक्र पर स्वाधिष्ठान मणिपुर, हृदय के पास अनाहत गले के पास विशुद्धि, आंखों के बीच में आज्ञा चक्र और सहस्रार, जैसे बल्ब की रोशनी है उस तरीके से हमारे अंदर भी किस तरह की रोशनी हमें दिखाई देती है।
मेरी सांस आ रही है और जा रही है। पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश। और उस वर्तमान क्षण में हमारे चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व मौजूद है, उसकी प्रेजेंस का भी, उसकी उपस्थिति का भी आभास कि मैं अपने इस शरीर के चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है उसके साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। और उससे भी चारों तरफ और अपने आप का दायरा और बढ़ाएंगे तो उससे भी चारों तरफ धीरे धीरे ये जो सर्कल है ये बड़ा होता चला जाए और पूरी धरती को हम इस तरीके से अपने साथ उस विश्व में शरीर के रूप में जोड़ सकते हैं। हमारे चारों तरफ नाद साधना से जो हमारे देवी देवता हैं जिनको हमने आमंत्रित किया था उनके प्रति हम आदर और नमन का भाव, उनको हम नमन करते हैं। उनके चरण कमलों में भाव के साथ नमन, ग्रैटिट्यूड कि इस ब्रह्म मुहूर्त में हमें इस नाद साधना का मौका दिया। और अब हम नवरात्र में जो हमारी शक्ति है, शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं, उन सब को हम अंदर ही अंदर देखेंगे। जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। अनेक रूपों में ये शक्तियां हमारे पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। स्वधारिणी महाकल्याणी महाभद्राणी महेश्वरी पूरे ब्रह्मांड को जो समेट के रखती है, महत महेश्वरी नागेश्वरी, हर एक जीव आत्मा में जो शक्ति मौजूद है, विश्वेश्वरी लिंग रूपिणी त्रिनेत्री महायोगिनी दिव्य कामिनी काल रूपिणी त्रिशूल धारिणी यक्ष कामिनी मुक्तिदायिनी
हिरण्य गर्भिणी कितने ही स्वरूपों में यह शक्ति हमारे भीतर और हमारे शरीर से बाहर पूरे ब्रह्मांड में इसी कुंडलिनी प्राण शक्ति और स्वरूपिणी में कण कण में समाई हुई है। उनके प्रति आदर का भाव, नमन और हमारे सभी पूर्वजों के लिए नमन और अपने ही घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य के प्रति थैंकफुल। आखिरी एक मिनट अपनी ही सांस, सांस मेरा गुरु है, सांस मेरा मित्र है, दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। क्लैपिंग करेंगे एक बार। हाँ जी, कैसा लगा? अच्छा, मजा आया? पता नहीं, मुझे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्या करें, बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, यही नहीं पता। ऐसे लगता है अभी तो गए थे, बस ध्यान में गहरे और वो खत्म हो जाता है। गुड, चलो तो अभी हम अपनी नाच साधना पे कंटिन्यू करे हुए हैं। और जो ये नाच साधना है, जैसे कि हम जब नाच साधना करते हैं तो सात चक्र हैं हमारे, और उसमें हम जब गुंजन करते हैं तो नीचे का जो सबसे नीचे का जो मूलाधार चक्र है, इसकी चार पेटल्स होती हैं हमारी। तो ये चार पेटल्स का मतलब है कि जो हमारे नर्वस प्लेक्सिस हैं वो नीचे से जो फैले हुए हैं, जहाँ जहाँ वो जिस जिस अंग के साथ जुड़े हुए हैं वहां तक वो वाइब्रेशंस हमारी पहुंचती हैं, और वो वाइब्रेशंस पहुंचती हैं और वहां पर कहीं पर भी अगर कोई ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस उस आवाज को लगाने से वो खुल जाती है। तो नीचे का जो चार पेटल्स हैं वहां पे जैसे ही आप अपना ध्यान लेके जाते हैं, और उसके बाद जब आप हम की जो साउंड बोलते हैं तो उससे वो आपकी जो छोटे से छोटा अगर कहीं ब्लॉकेज है वो भी खुल जाता है। तो ये हमारे जो कर्म बीज हैं, जो छोटे से छोटा कहीं अगर हमारे अंदर अहंकार है, कहीं लालच है, कभी कितने ही जन्मों में हमें कहीं कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, तो वो सब खुल जाता है। फिर उससे ऊपर का जो चक्र है स्वाधिष्ठान,
जहाँ पर हम अनेक अनेक जन्मों में हम अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई गिला शिकवा है, कोई किसी के साथ किसी के प्रति नाराजगी है, कहीं हमें गिल्ट है, किसी भी तरह का जो भाव है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो इमोशंस हैं वो ज़्यादातर हमारे से नाभि से नीचे रहते हैं, और वो इमोशंस की वजह से कहीं गांठ आ जाती है, कहीं सिस्ट बन गया, कहीं ट्यूमर बन गया, कहीं यूट्रस का कोई प्रॉब्लम आ गया, कहीं कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी अगर किसी भी अंग का प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे खुलने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम नाच साधना करते हैं तो उससे हमारी जो पेटल्स हैं, जो 6 पेटल्स हैं, ये खुल जाती हैं, और जैसे वो अब बोलते हैं कि आपके दरवाजे खुल रहे हैं, ये एक दरवाजा है जो आपका खुल गया, और ये पेटल्स जब खुलती हैं तो जो साइड के जितने भी अंग हैं, मांसपेशियां हैं, नाड़ियां हैं, आपकी वेसल्स हैं, इन सब के साथ वो गुंजन जब पहुंचती है, वो अपने आप ही वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट होने से जो शरीर की बीमारियां हैं और हमारे कहीं कारण शरीर की बीमारियां, वो सब दूर होती हैं। फिर इसी तरीके से जब हम तीसरे चक्र पे आते हैं मणिपुर के ऊपर, तो मणिपुर सबसे बड़ा चक्र है एक तरीके से, जहाँ पे हमारा अंत होता है, जहाँ पे हमारा डायफ्राम है, उस डायफ्राम के नीचे जो मणिपुर चक्र है, इसमें सबसे ज़्यादा अंग हैं हमारे। तो जैसे ही हम वो नाद करते हैं तो पूरी नाद साधना से वो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, तो हमारे आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे लंग्स, मेरे लिवर के पास, मेरे पेनक्रियास के पास, मेरे पेट के नीचे, ये पूरे चक्र में ये मेरी नाद घूम रही है, और वो सब चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रही है। तो क्योंकि जैसे ही हम ये भी इमोशंस का सीट है, सीट ऑफ इमोशंस, जहाँ पे हम अपने अहंकार के साथ जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा ईगो सेल्फ है, जैसे ही नीचे के तीनों चक्र अलग होंगे, हमारे ये जो मेन हमारा जो मन शरीर है, ये शरीर हमारा धीरे धीरे सेपरेट होने लगता है, कि अच्छा ये हमारा, जब हमारा ये दरवाजा खुल जाएगा तो हम अपने मन शरीर से दूर होते चले जाएंगे, जहाँ पे हम इमोशंस महसूस करते हैं सबसे ज़्यादा, अहंकार से संबंधित उस मणिपुर चक्र में, अच्छा ये मेरे को उसने कह कैसे दिया, या ये काम सारी जिंदगी हम क्या करते हैं कि मेरी चीज़ है, मैंने अगर ऐसा कह दिया तो मेरे हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, जो हम सोचते हैं। कल भी हम शाम को जब बात कर रहे थे, तो जो हमारा दायरा है, नो इंटरफेरेंस, आपको अपने प्रति, अपनी अपने आप को इवॉल्व करना है, ना कि दूसरे के प्रति आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दूसरे के प्रति नो एक्सपेक्टेशन, उसकी जर्नी क्या है वो हमें नहीं पता है, कितने जन्मों में वो क्या उस पिछले जन्मों से क्या करता है नहीं पता है, आप अपनी स्टोरी से मतलब रखिए। तो जब आप, आपके अंदर ये अहंकार खत्म होता है, तब आप ऊपर वाली इस डायफ्राम से ऊपर अनाहत चक्र में प्रवेश करते हैं, नहीं तो जो हम बात कर रहे थे प्रेम, प्रेम हम पा ही नहीं सकते, ना हम प्रेम कर सकते ना पा सकते, क्यों? क्योंकि जब तक हमारे 3 चक्रास के अंदर से ये अहम का भाव नहीं जाएगा, हमारे अंदर से निर्लिप्तता का भाव नहीं जाएगा, तब तक हम अनाहत चक्रा के जो हमारे कलियां हैं उनको खोल नहीं सकते। उसको कहते हैं कि हम, जैसे ही हमारा अनाहत चक्र खुलता है, हमारी इम्यूनिटी, हमारा हर चीज को हम इन्वॉल्व करते हैं, ओके अच्छा मैं नहीं हूँ, मेरे परिवार के सदस्य भी, अच्छा ठीक है अगर एक खराब है तो इट्स ओके। ये जो मी सेंटर्डनेस से हट के जब हम अपने हृदय चक्र को खुलते हैं, जब हृदय चक्र की 4 हमारे पार्ट हैं, अगर आप हृदय में भी देखो, इसी तरह जो ये हृदय है, जब हम बोलते हैं हिरण्य गर्भणी, जो ऊपर हमारा हृदय, यहाँ पर भी हृदय रहता है, जिसको कि हम 3री आँख के पास, हम कॉर्पस कैलोजम के पास 4 हिस्से, हिरण्य गर्भणी, इसी तरह हमारे हृदय के 4 पार्ट हैं, ये खाली है, यहाँ पे ब्लड आता है जाता है, आता है जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, ये अंदर से पंप करता है, अगर खाली ना हो तो ये पंप नहीं कर पाएगा। तो ये जो खालीपन है, खालीपन का मतलब आपको इसको खाली रखना है। वो खालीपन कैसे आएगा? किसी के प्रति भी कोई गिला शिकवा नहीं, अपने आप में बस आनंद की स्थिति, आपको ये बनानी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कि ये
चारों तरफ के पेड़ पौधे भी मेरे हैं, ये परिवार भी मेरा है ना, ये सब चीजों को एक्सेप्टेंस जब करेंगे तब हृदय चक्र खुलता है ये। और दूसरी बात यह है कि ये अनुभव से, अनुभव की बात है। आप देखेंगे किसी को जब बहुत प्यार से खाना खिलाते तो कुछ देर तक रोमांच रहता है कि यार मैंने उसको आज बड़े अच्छे दिल से खाना खिलाया। अगर आप किसी को पानी भी पिलाते हो ना, आप अपने बेड की चद्दर भी झाड़ लेते हो या अपने बेड को सही सेट भी कर देते हो तो अंदर से खुशी होती है, यार आज तो मैंने ठीक कर दिया। ये है एक हैप्पीनेस जो अपने आपके अंदर से आती है उसे हृदय चक्र में। और फिर विशुद्धि आती है जहां पर आपको एक वाक शक्ति, जहां पे पतली सर बोलते हैं कि आपका मुंह इसलिए नहीं है कि आप बार बार बक बक ही करेंगे, वहां पे एक वाक शक्ति है, वो एक आपका एक संकल्प है जहां पे आप मुंह खोलने से पहले उन शब्दों को पक्व तरीके से बाहर निकालते हैं। ये विशुद्धि चक्र है। ये है थायराइड, जो आधे से ज्यादा दुनिया थायराइड और पैराथायराइड की गोलियां खाती है। क्यों? क्योंकि अंदर से जो भाव आते हैं उसको वो सही बोल ही नहीं पाते, उसके अंदर वो हार्मोन्स इम्बेलेंस हो जाते हैं। पहले दिमाग में आएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आएगी और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये कनेक्टेड है, इट इज ऑल कनेक्टेड। और नीचे जो हमारी किडनीज है उसके ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है, इन तीनों का बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही इमोशन आया हमने तुरंत बात बाहर निकाल दी, अच्छा तूने इतनी बदतमीजी से ऐसे बोला, मेरे साथ ऐसे किया, तो हमारा यहाँ पे गले में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती है। तो हमें बहुत ही आराम से इन चीजों को सूक्ष्मता से समझना है कि अभी तक तो हम अपनी जर्नी नॉर्मल तरीके से कर आए, इट्स ओके, उसमें भी कोई गिल्ट नहीं है, हमने कर लिया, इट्स ओके। फिर आ गया चक्र जो हम बार बार बोलते हैं, फिर से आज बहुत दिनों के बाद में फिर से एक बात दोहराती हूँ कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हम बार बार करते हैं कि ये जो पवन पुत्र है, पवन पवन के पुत्र थे हनुमान, यानी कि यहाँ पे आपका ये है आपकी स्थिति। इससे नीचे की जितनी भी स्थितियां हैं, ये हमारी जब हम मनुष्य से नीचे पशु होने में थे, ये स्थितियां हमारी लोअर ब्रेन में थी ऑलरेडी। आप देखो पशु क्या क्या नहीं करते, वो सब हम भी करते हैं, लेकिन उससे अलग जब हम इस विशुद्धि चक्र से ऊपर जाते हैं तब हमारी स्थिति मनुष्य की बनती है, तब हमारा हायर ब्रेन एक्टिवेट होता है। उनका हायर ब्रेन है नहीं। और ये दो चक्र ही जहां पे हम स्थित प्रज्ञ, पूरी गीता में लिख दिया कि ये स्थित प्रज्ञ है, आपको यहाँ पे बैठना है। अंजनी पुत्र, तीसरा दर्शन शास्त्र आपके पास है, आप देखते हो सच में, आप अंदर से महसूस करते हो यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अंदर से एक आवाज आती और वो आवाज हम उसको ओवरलैप करके फिर से मन की बात बोल देते हैं, नहीं उसको पहले अंदर से दर्शन करिए। ये तीसरी आंख है जहां पे आपकी शक्ति आपके पास खुद है। फिर है सहस्रार, और सहस्रार होने के बाद तो आप किसी भी तरह की सेवा कर सकते हैं, हजारों लाखों तरह की सेवा कर सकते हैं। उच्च स्थिति है, सबसे उच्च स्थिति जो हम बाहर प्रकृति दर्शन में करते हैं कि हम हर एक को अपना परिवार समझने लगते हैं, जहाँ पे आपके पास करुणा भी आती है, मित्रता भी आती है, मुदिता भी आती है, उपेक्षा भी है, चारों गुण आते हैं आपके पास, तो ये सहस्रार है। ओके, तो हमारे काम अब हम आगे चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मजे करेंगे, बाहर जाके मुस्कुराएंगे, हमारी सारी मांसपेशियां खुश हो जाएंगी मुस्कुराने से, और हम आकाश में जाके पूरे हाथ को फैला के सबको अपने अंदर समेट लेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है, पूरे मजे से जाएंगे। ओके, और ऊपर से लेके नीचे तक सारा, पहले ऊपर ब्रह्मांड को देखेंगे, आकाश को देखेंगे, फिर पेड़ों के ऊपर को देखेंगे, फिर पेड़ों से नीचे आते आते पूरी धरती तक, छोटी छोटी चींटियां चलती हैं, है ना, छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, उन सबको ध्यान से देखो, उनके अंदर भी वही चेतनता है, चाहे वो 5 दिन जिंदा रहे लेकिन वो मस्ती करते हैं अपनी, है ना, चाहे वो उनका उम्र कितना ही हो, 15 दिन का हो, चाहे उनका उम्र 20 दिन का हो, 3 महीने का हो, लेकिन वो अंदर से फड़फड़ाते हैं,
और फिर वो चेतनता का अनुभव करते हैं। देखो कैसे चेतनता का अनुभव करते हैं, मैं कॉजल बॉडी एंड द ईगो में पढ़ रही थी कि छोटी छोटी जो चींटियां हैं वो चेतनता का अनुभव करती हैं, और यही धरती की आत्मा है कि चींटियां कभी भी खत्म नहीं होती इस धरती से। वो कितना मतलब धरती सुकून लेती है कि अच्छा ये चींटियां खत्म हो जाएंगी तो फिर से और आ जाएंगी। तो इस चेतनता को आप गहन तरीके से आप जब बाहर जाएंगे मस्ती से पूरा गुनगुनाइए बाहर जाके कोई भी साउंड जो आपको मन करे। हाँ, और उसका प्रैक्टिस करिए कि अच्छा मेरे को तो ये वाला साउंड अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे तो ग और रे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वो गुनगुनाना अच्छा लगता है। आप भी गुनगुना सकते हैं, आपको कोई भी शब्द अच्छा लगता है, आपका अपना शब्द होना चाहिए। रुडोल्फ स्टीनर की मैंने एक ही बात पकड़ी कि आप, उन्होंने कहा कि आपका संगीत कहाँ है, मैं आपका संगीत चाहता हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगी कि अच्छा मैं रटे रटाए मुझे वो नहीं चाहिए, सरगम नहीं चाहिए, मुझे अपना संगीत चाहिए। तो आपको अपना संगीत देखना है कि आप अपना संगीत कैसे निकालते हैं किसी भी तरीके से। ओके ओके बाय टाटा।